दोस्तों विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की एक छोटी सी बेटी है और उस छोटी सी बेटी को रेप का और बलात्कार का धमकी देने वाला एक शख्स जिसने T20 वर्ल्ड कप के दौरान एक पोस्ट करते हुए ये धमकी दिया था, आज उसको लेकर एक बड़ी खबर आई है। और ये बड़ी खबर किस लिए है ये मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा, लेकिन आप सुन लीजिए कि मामला क्या है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसको लेकर क्या फैसला सुनाया है और आप सुनकर बहुत ही हैरान होंगे। खबर क्या है मैं आपको मूलभूत बातें जो है वो बता देता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा ये वेबसाइट ने इसे छापा है, लेकिन खबर क्या है आपके स्क्रीन पे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रिकेटर विराट कोहली की नाबालिग बेटी और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर रेप की धमकी पोस्ट करने के आरोप में हैदराबाद निवासी के खिलाफ दर्ज मामलों को खारिज कर दिया है। जस्टिस AS गडकरे और PD नायक के खंडपीठ ने शिकायतकर्ता कोहली के प्रबंधक अकबिलिया डिसूजा के रामनागे सकुपत्नी के खिलाफ आरोपों को छोड़ने के सहमति देने के बाद सोमवार को मामले को खारिज कर दिया है। ये जरा आप देख लीजिए कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया है। जरा सोच कर देखिए कि जो मामला दर्ज था उसे खारिज कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, उस दरमियान हैदराबाद के एक शख्स ने जो कि इंजीनियर बताया जाता, अच्छा पढ़ा लिखा हुआ इंसान है, उसने ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर बताया जाता है कि एक धमकी दी थी। धमकी किस बात की? अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की छोटी सी बेटी के खिलाफ दुष्कर्म करने का एक पोस्ट किया था। अब उसको लेकर ये खबर जो है वो सामने आई कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया, उस मामले को खारिज कर दिया। जरा सोच कर देखिए कि पढ़े लिखे इंसान को किस तरीके से उसके दिमाग में, दिल में ऐसा नफरत भर दिया गया कि छोटी सी बच्ची को भी वो लोग नहीं छोड़ रहे, और उस क्रिकेटर के बारे में बात किया जा रहा, उस क्रिकेटर की बेटी को धमकी दिया जा रहा है जिसने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया, लेकिन आप देखिए कि मामला क्या है, केस खारिज हो चुका है। सुनने वालों को ये लगेगा कि ये छोटी सी बात है, लेकिन जब आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक बहुत बड़ा बात है, और आप कोर्ट पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर किस पे आप भरोसा करेंगे, और कोर्ट की तरफ से ऐसा फैसला आएगा और ऐसे मामलों को खारिज किया जाएगा तो फिर आप किसके पास जाएंगे? आप किस तरीके से देखते हैं इस खबर को, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।